जंगल में लगी आग मामले में वन विभाग की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है। मौके से पकड़े गए तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें, वन अग्नि सुरक्षा दल ने आरोपियों को पकड़ा है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। तो ये जंगल में लगी आग मामले में एक सख्त कार्रवाई के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है। मौके से पकड़े गए तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें जेल भेजा गया है। वन अग्नि सुरक्षा दल ने आरोपियों को पकड़ा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से देखिए, भयंकर आग लगी उत्तराखंड के जंगलों में। रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी भीषण आग के संदर्भ में तीन आरोपियों को वन विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा और इन्हें जेल भेज दिया है। मौके से पकड़े गए तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वन अग्नि सुरक्षा दल की टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा है। इनकी धरपकड़ वन अग्नि सुरक्षा टीम द्वारा की गई। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय अधिकारी जो हैं, वो लगातार स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। जंगल में लगी आग मामले में वन विभाग की एक अहम कार्रवाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तीन आरोपियों को मौके से पकड़ा गया और उन्हें जेल भेजा गया है। और आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक बड़ी खबर। लगातार उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगने की घटनाएं पेश आई हैं। इसी कड़ी में नैनीताल के जंगलों में जो भीषण आग लगी है, उसका असर अब रिहायशी इलाकों पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार से ही नैनीताल के जंगल सुलग रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये शुक्रवार से आग लगने की घटना पेश आई थी जंगलों में, और लगातार नैनीताल के जंगल जो हैं इस आग में सुलग रहे हैं। 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है इस आग से प्रभावित हुआ है। 24 घंटे में माफ कीजिए, कुमाऊं क्षेत्र के कई जंगल आग की चपेट में आए। पिछले साल से लेकर अब तक 575 घटनाएं आग की वन क्षेत्र में पेश आई हैं। 689.89 हेक्टेयर जमीन जो है वो इस आग की चपेट में आई। सौरभ भाटिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर सेना की मदद ली गई है, MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी इस आग पर नियंत्रण को लेकर के हर एक अपडेट जो है वो ले रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है? स्थिति, अब तक तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनकी जो गिरफ्तारी भी हो गई है। 19 ऐसे लोग हैं जिनकी जांच की जा रही है। बकायदा जो चारा पत्ती ले जाने वाले लोग थे, उनको भी फिलहाल जंगलों में जाने से मना कर दिया गया है। सेना की मदद ली जा रही है और बताया जा रहा है कि सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से जो है आग बुझाने का काम किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द लोगों को वनाग्नि से निजात मिल सके। इस पूरे मामले में अब तक एक घर भी जो है जलकर खाक हो चुका है, जिसको लेकर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर आज 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कैसे जो है इससे निजात मिले, वनाग्नि को लेकर किस प्रकार की तैयारियां थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी समीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर जो तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जिस तरीके से पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि मौके से इनकी गिरफ्तारी हुई, एलिगेशन एग्जैक्टली इन पर क्या है? देखिए, जब पूछताछ हुई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि बकरियों के लिए चारा लेने गए थे और नया चारा आए, इसके लिए जो है इनके द्वारा आग लगाई गई है, इसलिए जो है इनकी गिरफ्तारी तो जरूर कर दी गई है वन अधिनियम के तहत। और बकायदा अधिकारी अब आगे की पूछताछ भी कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही, क्योंकि पुराना चारा पत्ती जो है खत्म हो चुका था, इसको लेकर जो है अभी बातचीत की जा रही है, अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया। हालांकि अभी और विस्तृत रिपोर्ट आना भी इसमें बाकी है। जी ठीक है, हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर के बड़ी अपडेट दे रहे हैं। तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। चारे को लेकर के इनकी तरफ से आग लगाई गई थी ताकि जगह क्लियर हो और नया चारा यहाँ पर जल्द उपज सके, लेकिन ये देखिए जरा सी लापरवाही और कितना भयानक रूप ले लिया, अख्तियार किया इस आग ने। तस्वीरें रात के समय की हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग कितनी भयावह दिख रही है और इसका असर अब रिहायशी इलाकों पर भी पड़ने लगा है। यहाँ पर सौरभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, MI के 17 चॉपर जो हैं वो लगातार आग बुझाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, एक्सपर्ट्स का, आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है? देखिए, वन विभाग की तरफ से जिस प्रकार की तैयारियां की गई थी वो नाकाफी दिखाई दी हैं। बकायदा अधिकारियों के द्वारा फायर सीजन को देखते हुए समीक्षाएं तो जरूर की गई,
लेकिन उनके जो है मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए, जिससे जो इस प्रकार के हालात भी पैदा हुए। यदि इस तरीके के हालात पैदा होंगे तो आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 4 बजे समीक्षा बैठक लेंगे तो वन विभाग के तमाम अधिकारी वहां मौजूद होंगे, सेना के अधिकारी मौजूद होंगे, और अधिकारियों से जब पूछताछ होगी, विस्तृत जानकारी मिलेगी, आगे का जो है जो रोड मैप होगा तब तैयार किया जाएगा। फिलहाल जो है हालात बहुत अच्छे नहीं है और हालातों को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा सेना की मदद भी ली गई है। जी, यहाँ पर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं सौरभ की एक बड़ा दायरा जो है इन पहाड़ों का, जो जंगल का एरिया है, वो इस आग की चपेट में है। जाहिर है धुआं बहुत ज्यादा होगा और रिहायशी इलाकों तक ये आग फैलती जा रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आई। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनको भी असुविधा हो रही होगी, धुएं की वजह से स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। रिहायशी इलाकों में जो लोग हैं उनको लेकर के कोई एहतियातन कदम उठाए गए हैं क्या अब तक? देखिए, अभी फिलहाल कोई इस प्रकार की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो आग पर काबू पाने के लिए बकायदा जो है MI-17 से जो है पानी फेंक रहे हैं। बकायदा जो यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं जो है नैनी झील में नौका यानी कि जो बोटिंग है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। बाहर पर्यटकों को फिलहाल जो है ये कहा है कि अगर वो होटल में आए तो वह सुरक्षित जगहों पर रहें, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना घटित ना हो। जबकि जो जिला प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगातार जो है मौका मुआयना भी कर रही है। रिहायशी इलाकों की भी जो बाकायदा देखभाल की जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड से घिरा हुआ इलाका है, चाहे गढ़वाल की बात की जाए या कुमाऊं की, सब जगह जो है फॉरेस्ट जो है काफी ज्यादा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और नैनीताल के जंगलों को लेकर के जो आग की स्थिति है उस पर अहम बैठक ली, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? 4 बजे जो है ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें वन विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद होंगे, प्रमुख सचिव जो है वन मौजूद होंगे, इसके अलावा सेना के अधिकारी होंगे, पुलिस होगी। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारियों को जो है मुख्यमंत्री ने बुलाया है, और बकायदा 4 बजे जब जो विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद आगे की जानकारी मिल पाएगी, आखिरकार की किस प्रकार से आगे का रोड मैप तैयार किया गया है, सरकार कैसे जो आग पर काबू पाएगी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किस प्रकार से ले जाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सौरभ, स्थिति पर नजर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक बुलाई। हल्द्वानी में ये बड़ी बैठक बुलाई गई, जंगलों की आग चुनौती है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक के बाद जो तमाम बातें रखी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आग बड़ी है, कार्रवाई की जा रही है, सेना से भी मदद मांगी गई है। तो CM पुष्कर सिंह धामी लगातार आग की इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आपात बैठक बुलाई गई हल्द्वानी में आज, अधिकारियों के साथ इस बैठक में जो अब तक इंतजाम किए गए हैं उनको लेकर अपडेट लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस दरमियान तमाम बातें रखी, सेना से मदद की बात कही। CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुना देते हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बड़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं, और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। CM पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। लगातार नैनीताल के जंगलों में लगी आग की स्थिति को लेकर के वो मॉनिटरिंग करते अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं और स्थिति का अपडेट पल पल ले रहे हैं।